नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बॉलीवुड में खिलाड़ी के नाम से मशहूर अक्षय कुमार आज अपना 56वां जन्मदिन मना रहे हैं। अक्षय कुमार का जन्म 9 सितंबर 1967 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उनका असली नाम राजीव भाटिया है, जिसे उन्होंने इंडस्ट्री में आकर बदल दिया था। अक्षय के पिता का नाम हरि ओम भाटिया है, जो सेना में ऑफिसर थे। एक्टर अक्षय कुमार ताइक्वांडो और साथ ही मार्शल आर्ट्स में माहिर है। फिल्मों में आने से पहले वो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते थे और उनकी फिटनेस का अंदाजा तो हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि आज भी वो अपनी सभी फिल्मों में अपने स्टंट्स खुद से करते हैं। अक्षय ऐसे एक्टर हैं जो हर साल 3 से 4 फिल्में बतौर लीड कलाकार जरूर कर लेते हैं। अक्षय कुमार 1991 में सौगंध फिल्म से बॉलीवुड करियर की उन्होंने शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके साथ राखी और शांति प्रिया मुख्य किरदार में थे। अक्षय ने अपने 30 साल के करियर में करीब 140 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया है। एक्शन फिल्म हो या फिर कॉमेडी या फिर फैमिली ड्रामा, हर किरदार उन्होंने बखूबी तरीके से अदा किया है और हर किसी को बहुत ज्यादा इंजॉय करवाया है। और वो जो स्क्रीन मूवमेंट है सबका, उसे और भी ज्यादा फ्रूटफुल बनाया है। अक्षय कुमार हाल ही में रिलीज हुई फिल्म OMG 2 की सक्सेस से सुर्खियों में बने हुए हैं। आज हम इस वीडियो के जरिए बात करते हैं अक्षय कुमार के जन्मदिन पर उनकी कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में, जिन्हें आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से देख सकते हैं। और आज तो उनका बर्थडे भी है, तो बनता है तो चलिए शुरू करते हैं। खिलाड़ियों का खिलाड़ी साल 1996 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा के साथ इस फिल्म में अक्षय कुमार अंडरटेकर के किरदार से मुकाबला कर दुनिया भर में एक खिलाड़ी के रूप में जाने गए थे, जो अपने भाई को खोजते हुए महिला गैंगस्टर का किरदार प्ले कर रही रेखा के गिरोह में शामिल हो जाते हैं। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की थी और इसके गाने तो फेमस है ही, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। इसे आप OTT प्लेटफॉर्म Z5 पर देख सकते हैं और 100% इसे देखने के बाद आप इंजॉय करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इस फिल्म को, तो मस्ट वॉच फिल्म है। फिर हेरा फेरी साल 2006 में रिलीज हुई ये बेहतरीन कॉमेडी फिल्म थी। इसमें बाबूराव, राजू और श्याम की तिकड़ी लोगों को खूब पसंद आई थी। फिल्म साल 2000 में रिलीज हुई, हेरा फेरी का दूसरा पार्ट थी। इन दोनों फिल्म की कहानी के साथ सभी किरदारों ने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था और साथ ही गहरी छाप छोड़ दी थी, जो कि आज तक कायम है। इसमें अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी और परेश रावल मुख्य किरदार में थे। इस फिल्म को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं गरम मसाला की। साल 2005 में रिलीज हुई ये भी एक जबरदस्त कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में अक्षय कुमार ने फोटोग्राफर के किरदार में दर्शकों को खूब हंसाया था। अक्षय कुमार के साथ इस फिल्म में जॉन इब्राहिम, परेश रावल और रिमी सेन जैसे कलाकार थे। इसे आप OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म वेलकम की। साल 2007 में रिलीज हुई ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म अपने आप में एक मास्टरपीस है, जिसने लोगों को जमकर हंसाया था। फिल्म में अक्षय कुमार ने राजीव सैनी नाम के सीधे सादे से लड़के का किरदार प्ले किया था। फिल्म में अक्षय के अलावा कैटरीना कैफ, नाना पाटेकर, फिरोज खान, अनिल कपूर और मल्लिका शेरावत के अलावा कई अन्य कलाकार नजर आए थे, जिन्होंने फिल्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 चांद लगाए थे। इस फिल्म को आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं और मस्ट वॉच फिल्म है। भूल भुलैया साल 2007 में रिलीज हुई इस हॉरर कॉमेडी फिल्म ने लोगों को डराने के साथ साथ जमकर हंसाया भी था। फिल्म में अक्षय कुमार ने आदित्य नाम के दिमाग के डॉक्टर का किरदार निभाया था। इस फिल्म का हर किरदार दर्शकों को खूब पसंद आया था, खासतौर पर विद्या बालन द्वारा निभाया गया किरदार मोंजुलिका का। आज भी अगर जैसे ही इस मूवी का जिक्र भी होता है ना, विद्या बालन की वो जो इमेज है वो आपकी आंखों के सामने आ जाती है, एंड दैट इज सो हॉरिबल। विद्या बालन ने बहुत ही खूबसूरती के साथ वो किरदार निभाया था। इसे आप OTT प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिल्म बेबी की। साल 2015 में रिलीज हुई इस एक्शन थ्रिलर फिल्म को नीरज पांडे द्वारा डायरेक्ट किया गया था। फिल्म में अक्षय कुमार ने भारतीय खुफिया दल के सर्वश्रेष्ठ ऑफिसर का किरदार निभाया था। एक्टर सऊदी अरब में जाकर टीम को लीड करके एक आतंकवादी को मारते हैं। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म में अक्षय के साथ साथ राणा दग्गुपति, अनुपम खेर, डेनी डिंजगोप्पा, के मेनन और साथ ही तापसी पन्नू जैसे कलाकार शामिल हैं। इसे आप हॉटस्टार पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं एयरलिफ्ट की।
साल 2016 में रिलीज हुई ये फिल्म एक सच्ची घटना इराक और कुवैत की लड़ाई पर आधारित है। इस फिल्म में साल 1990 के गल्फ वॉर में फंसे भारतीयों की कहानी को बखूबी दिखाया गया है। अक्षय कुमार का किरदार देशवासियों को बचाने के लिए अपना जीवन जोखिम में डालता है। इसे आप OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं केसरी की। साल 2019 में रिलीज हुई ये एक एक्शन वॉर फिल्म है और माय गॉड बहुत खूबसूरत फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक हवलदार ईश्वर सिंह का किरदार निभाया है, जो कि 10,000 आक्रमणियों के खिलाफ लड़ाई में 21 सिख सैनिकों का नेतृत्व करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं पूरी तरीके से कि हम कर सकते हैं। वो अपनी अंतिम सांस तक बहादुरी से आक्रमणकारियों का सामना करते हैं। इस फिल्म को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। खैर, ये थी हमारी पूरी लिस्ट, लेकिन आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जरूर बताइएगा कि आज अक्षय कुमार के बर्थडे वाले दिन आप उनकी कौन सी फिल्म देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद।